लोगों के जीवन में रंग भरने वाले वीडियो और फोटोग्राफर्स ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पहुंचे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के अध्यक्ष प्रवीण अग्रवाल ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की और सभी ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाइयां दीं। इसके बाद होली के गीतों पर सभी ने जमकर डांस भी किया। इस मौके पर फोटोग्राफर्स ने अपनी समस्याओं के निराकरण की मांग चैम्बर अध्यक्ष से की, जिसके बाद प्रवीण अग्रवाल ने उनकी मांगों के निराकरण का भरोसा दिया और कहा कि हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। पहला प्रपोजल मेरे इस गार्डन में फोटोग्राफर के सामान की सुरक्षा को लेकर था कि हमें एक अलमारी प्रोवाइड कराई जाए जिसमें हम अपना सामान रख के अपना ताला लगा सकें। दूसरा प्रपोजल, मेरे गार्डन में चोरी हो जाती है, सांप निकल जाता है, लकीर पीटी जाती है, किसी टीवी में चोर भी रिकॉर्ड होते हैं फिर भी नहीं पकड़ा जाता, और चोरी होने के बाद फोटोग्राफर को रात को थाने में बिठा दिया जाता है, डाटा कॉपी करो केंद्र में खिलाओ। अब वो काम करे कि डाटा कॉपी कराए, उसके लिए हमने मेरे गार्डन में उनको एक लॉकर्स लगाने की हमने मांग रखी है, उस पर सिक्योरिटी गार्ड लगाए, गार्डन के भारतीय 20 कैमरे हटा के अगर 2 कैमरे लॉकर पर अच्छे लगा दिए जाए तो चोरी होने की संभावना नगण्य होगी, या तो होगी तो बहुत बड़े स्तर पर डकैती होगी, बस चोरी नहीं होगी, क्योंकि फोटोग्राफर को तकलीफ नहीं होगी। विजय मेरा उनसे देखिए, आज फोटोग्राफर भाइयों के लिए होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से चंदू जैन जी और अशोक गावरा जी और उनकी पूरी टीम ने इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे से किया। और इस कार्यक्रम का जो विशेष लाभ है फोटोग्राफर भाइयों को और ग्वालियर शहर को मिलने वाला है, उनके द्वारा 2 सुझाव इसके अंदर दिए गए, जिसके अंदर मैरिज गार्डन के अंदर फोटोग्राफर भाइयों के सामान को रखने के लिए, क्योंकि उनके साथ बहुत सारा सामान रहता है, तो एक सुरक्षित स्थान हो, और सुरक्षित स्थान हो जिसके अंदर फोटोग्राफर भाई अपना सामान रख सकते हैं। वहीं जो कार्यक्रम आयोजित करना है उसका कीमती सामान रखने के लिए एक लॉकर की सुविधा मैरिज गार्डन के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। मुझे लगता है कि ये दोनों ऐसे सुझाव हैं जो जिसका अगर ये लागू किए जाएंगे ग्वालियर में, उसका अनुकरण पूरा प्रदेश और पूरा देश करेगा। हम प्रयास करेंगे कि इस सुझावों पर शीघ्र ही अमल हो, न केवल अमल हो बल्कि इसका धरातल पर भी इसके फायदे दिखे और पूरा प्रदेश और पूरा देश इसका।